बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आबाद रखे, और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक के मौके पे मैं बना रही हूँ कलेजी। तो मैंने ये कलेजी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने कलेजी के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और इसमें लहसुन, टमाटर, नमक, मिर्च और हल्दी और सब्ज़ मिर्च मैंने ज़्यादा डाली, और रेड मिर्च जो है वो मैंने थोड़ी कम डाली है, और कलेजी में मैं शामिल कर दूँगी। और मैंने प्याज छोटे मीडियम साइज़ के दो लिए थे प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, इसको भी इसी में शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। इसको मैं बनाऊंगी तवे पे, तवा कलेजी। ये सारा नमक, मिर्च, मसाले सब, और थोड़ा मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूंगी। थोड़ा सा मैं गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये सारे मसाले बिल्कुल सिंपल मसाले हैं, और ज़्यादा इसमें कोई मैंने मसाले नहीं डाले। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर मैं इसको तवे पे पका लूँगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैं तवे पे बनाती हूँ। तवे पे मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टमाटर भी मैंने इसी में मिक्स कर दिए थे। ये अच्छी तरह से पकता रहेगा, फिर मैं आपको इसको इसकी लुक दिखाऊंगी, ठीक है? ये देखेंगे अभी पक रही है, इंशाल्लाह इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, और फिर बहुत मज़े की ये बनेगी। अदरक और धनिया मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर शामिल कर दूंगी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखें बिल्कुल तैयार है। ये इतना मज़े का, इतना अच्छा, सादे मसालों के साथ मैंने ये कलेजी बनाई है, और इतनी मज़ेदार बनी है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। काश मैं आप लोगों व्यूवर्स में काश आप लोगों को भी खिला सकती।
और आपस में इसमें धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक शामिल कर दूंगी। और ये देखिए मैंने धनिया इसमें शामिल कर दिया है और अब बिल्कुल ये रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बस स्टॉक करके ही गंदा हो गया है। बहुत ही मजे का लजीज किस्म का मैंने बनाया है, काश आप लोग भी खा सकते। कलेजी भी मैंने बना ली है, दाल भी मैंने बना ली है, चावल भी मैंने बना लिए हैं। जिसने दाल चावल खाने हैं दाल चावल खा ले, जिसने कलेजी खानी है वो कलेजी खा ले। तवे वाली कलेजी बहुत ही लजीज मज़ेदार किस्म की ये बनती है और बहुत इजी रेसिपी है ये इसकी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए।